स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा जो है वो यहाँ पर जानकारी रखने की कोशिश करें कि अर्थशास्त्र भाई है क्या, है ना। तो अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान रखिए, एक शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। इन दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे कि अर्थ का मतलब होता है धन अथवा संपत्ति अथवा संसाधन, और वर्तमान समय में कह सकते हैं कि अर्थ का मतलब जो है वो पैसा भी होता है। समझ पाए। अब देखिए, शास्त्र का मतलब क्या होता है, विज्ञान यानी कि साइंस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या फिर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, या फिर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र संसाधन का विज्ञान है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र की एक सही परिभाषा क्या हो सकती है। वैसे विद्वानों का मानना है कि अगर 5 विद्वान भी बैठ करके एक जगह अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखे ना, तो एक छठा सा डेफिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक अर्थशास्त्र में विचारधाराएं जो है वो बदलती है ना। हम लोग हमेशा से कहते हैं कि अर्थशास्त्र युगों का शास्त्र है। जिस प्रकार से युग बदलेगा, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की विचारधाराएं भी बदलती रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का बिल्कुल सही और सटीक डेफिनेशन तो नहीं दिया जा सकता, बट हाँ, कुछ हाव भाव जरूर आ सकता है जिसमें कि हम थोड़े बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिया है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। ध्यान रखिए, ज्ञान में तो हम लोग कई सारे विषयों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उन सभी विषयों में से भी एक कौन सा है, अर्थशास्त्र है। इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें उत्पादन, वितरण तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, बचत, निवेश, यानी कि कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हकीकत में देखा जाए तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम समझ पाएँ कि हम किस तरह की आर्थिक क्रियाएँ कर रहे हैं, कब हमें किस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देश में संसाधनों की जो मात्रा है ना, वो बड़ा सीमित है या फिर कम है, और मनुष्य की जो लालसाएं हैं या फिर इच्छाएं हैं या फिर आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं ताकि ये हम समझ सकें कि किस तरह की हम आर्थिक क्रियाएँ कर रहे हैं और कब हमें नियंत्रित होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसी का उद्देश्य है अर्थशास्त्र का अध्ययन करना, यानी कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है वो क्या है कि हम चीज़ों को समझें, संसाधनों के बारे में समझें, संसाधनों के महत्व के बारे में समझें, और उसे हम कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अंग्रेजी में भी इसे मेंशन कर दिया है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड। दस इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर एक जो है वो विचारधारा आ रही है जिसका हम लोग अध्ययन करने के लिए जो है वो हमेशा से उत्सुक भी होते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी जो है विचारधाराएं हैं। तो सबसे जो पहला विचारधारा है वो क्या है, धन से संबंधित परिभाषा, जिसे हम धन की धारणा कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसे कंसेप्ट ऑफ वेल्थ कहा जाता है या फिर वेल्थ कंसेप्ट। इस धारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिन्हें हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, है ना। तो ये कहाँ के थे भाई, स्कॉटलैंड के निवासी थे एडम स्मिथ, और ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे थे। इन्हें ही हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह भी कहते हैं, या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, और मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ गए। आगे देखते हैं, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन किनका लिखित पुस्तक है ये, तो एडम स्मिथ का। किन्होंने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने लिखा था। कब ये प्रकाशित हुआ था किताब, 1776 ईस्वी में, ठीक है। इसी किताब में एडम स्मिथ ने ये कहा कि
कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, या फिर कह सकते हैं आप कि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। क्योंकि एडम स्मिथ ने जब डेफिनेशन दिया होगा तो हिंदी में तो नहीं दिया होगा ना, अंग्रेजी में दिया था, क्योंकि ये देख रहे हैं स्कॉटलैंड के निवासी थे जहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा होगा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि प्रोफेसर जो एडम स्मिथ हैं वही हैं एक्सपोनेंट ऑफ दिस कंसेप्ट, यानी कि वेल्थ कंसेप्ट को किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे भाई, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और ये प्रोफेसर कहाँ के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास्को, यानी कि ग्लास्को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। एडम स्मिथ को ही हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ ने जो है एक किताब लिखा था, किताब का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में यानी कि 1776 में पब्लिश हुआ था ये किताब, ठीक है। किताब का नाम जरूर ध्यान रखिए, वेल्थ ऑफ नेशन कब आया था, 1776 में। किनका लिखा हुआ पुस्तक है, तो ये है एडम स्मिथ का लिखा हुआ, ठीक है। ये किताब कब आया था भाई, 1776 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर इसी किताब में एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, क्या मेंशन किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है या फिर संपत्ति का विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि डेफिनेशन अगर देखें एडम स्मिथ का, तो यहाँ पर पता चलता है कि इन्होंने जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था मनी को, है ना। तो इसलिए मैंने इस प्रकार से मेंशन कर दिया है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम His view that he gave more importance to money या फिर wealth in the study of economics। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो कंसेप्ट या फिर दूसरी जो विचारधारा है वो है कल्याण की धारणा। एडम स्मिथ ने जब कहा ना कि धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, तो कई लोग जो है उनकी आलोचना किए, क्रिटिसाइज़ किए, और उसके बाद ये कंसेप्ट आया था जिसमें कि मेंशन किया गया कि नहीं नहीं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होने के साथ साथ में यह लोगों के कल्याण से संबंधित है, इसलिए कल्याण संबंधी विचारधारा आया। और कल्याण संबंधी जो विचारधारा दिया था वो कौन थे, इंग्लैंड अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल। कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल। यानी कि कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा इंग्लैंड अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया। किन्होंने प्रस्तुत किया था कल्याण की धारणा, तो ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। क्या कहा था, कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। और यह ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो 1890 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1890 में प्रकाशित हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। किनकी लिखित पुस्तक है, अल्फ्रेड मार्शल की। यानी कि किसने रचना किया, अल्फ्रेड मार्शल ने रचना किया। कब प्रकाशित हुआ, 1890 में प्रकाशित हुआ। इसी बुक में उन्होंने क्या कहा था अर्थशास्त्र को, कि अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। जैसे कि मोबाइल मान लीजिए एक भौतिक वस्तु है, और इससे लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। तो उनका कहने का मतलब था कि इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। कपड़ा जैसे है, तो कपड़ा से भी जो है मनुष्य की आवश्यकता पूरी होती है, क्योंकि कपड़ा क्या है, एक भौतिक वस्तु है। तो इसलिए इसका भी अध्ययन कहाँ किया जाएगा, अर्थशास्त्र में किया जाएगा। मतलब इन सारी चीज़ों को इन्होंने शामिल किया जो चीज़ें मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकती है। जैसे कि भौतिक वस्तु में बहुत सारी चीज़ें होती है, कलम, किताबें, कॉपियाँ, बेंच, डेस्क, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इसलिए उन्हीं सारी भौतिक चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। लेकिन इसमें थोड़ा मामला हो गया गड़बड़, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भौतिक वस्तुओं को जो है ना कि शामिल किया अपने डेफिनेशन में, अभौतिक वस्तुओं को छोड़ दिया। अभौतिक वस्तुएं ध्यान रखिएगा हम लोग सेवाओं को कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, नर्स की सेवाएं, मजदूर की सेवाएं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे देश के अंदर जो है, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग तरह से जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं अपनी, है ना, उन उपयोगी सेवाओं को हम लोग जो है कहीं ना कहीं यानी कि उनकी सेवाएं हम प्रयोग में लाते हैं, और उससे भी हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अभौतिक चीज़ों को समय छोड़ दिया। लेकिन अपने डेफिनेशन में एक बड़ा सुधार किया इन्होंने, क्या कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। कहा ना, छोड़ो ना भौतिक और अभौतिक, सीधा बात कीजिए कि अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है उससे मानव की भलाई होगी, मानव का कल्याण होगा, यानी कि ह्यूमन का वेलफेयर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
इनके जो है विचारों से यह भी पता चलता है कि एक नया डेफिनेशन भी आया था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये अगर डेफिनेशन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किनकी है, तो ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल की है। अल्फ्रेड मार्शल ने ही इस डेफिनेशन को दिया था। और यहाँ पर एक जो टर्म आ रहा है ना कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार, तो ये जो सामान्य कारोबार है ना, ये क्या होता है भाई? सामान्य कारोबार के मतलब है हमारा क्या, मनुष्य के द्वारा किया गया आर्थिक कार्य से। किससे मतलब है? तो जीवन के सामान्य कारोबार का मतलब है मनुष्य के आर्थिक कार्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्शल ने जो है वो धन को ज़्यादा महत्व ना देते हुए मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना। और धन को ज़्यादा महत्व किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और मानव को ज़्यादा महत्व किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहाँ तक देखिए, उसी कंसेप्ट को मैंने अंग्रेजी में मेंशन कर दिया है, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताया आपको कि जो अल्फ्रेड मार्शल हैं वो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, इसलिए हम इसे इंग्लिश इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। इंग्लिश इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा, मतलब इंग्लैंड अर्थशास्त्री, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये भी कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से इनका एक बुक आया था 1890 में, ठीक है, 1890 में। और इसी बुक में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक मटेरियल वेलफेयर है, या फिर कह सकते हैं ये फिजिकल वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। दूसरे टर्म में इन्होंने डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ किसको कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है। दूसरे टर्म में इन्होंने ये भी डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। क्या कहा था? इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल जो थे वो ज़्यादा कंसीडर किए, ज़्यादा जो ध्यान दिए वो था ह्यूमन पर, है ना, यानी कि मानव के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देने वाले कौन थे, तो अल्फ्रेड मार्शल। और वेल्थ पर जो ज़्यादा स्टडी किया, ज़्यादा जो जोर डाला, वो थे हमारे एडम स्मिथ साहब। उम्मीद है समझ में आ गया। तो वेल्थ पर ज़्यादा स्टडी किया किसने, तो वो थे हमारे एडम स्मिथ साहब। और ज़्यादा मनुष्य के अध्ययन पर ज़्यादा जोर डालने वाले कौन थे, तो अल्फ्रेड मार्शल साहब। यानी कि मार्शल ने दिया ह्यूमन के स्टडी पर ज़्यादा जोर, और एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ या फिर मनी पर ज़्यादा जोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है इसमें तीसरा कंसेप्ट, और तीसरे कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं दुर्लभता संबंधी विचारधाराएँ, यानी कि दुर्लभता की धारणा। जो दुर्लभता की धारणा था ये दिया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर लियोनल जॉन रॉबिन्स ने, जिसे हम बोलचाल की भाषा में इनका एक अलग नाम ले लेते हैं, रॉबिन्सन, है ना। तो कई बार जो है वो रॉबिन्स को रॉबिन्सन भी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ये प्रोफेसर लियोनल जॉन रॉबिन्स, और इन्होंने दुर्लभता संबंधी विचारधारा दिया अर्थशास्त्र के अंदर। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो है 1932 में एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम क्या था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। क्या था नाम किताब का? एन एसे, यानी कि एक लेख लिखा, किस पर, ऑन द नेचर, यानी कि प्रकृति के ऊपर में, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। और कहा कि क्या ये जो आप कल्याण की संबंधी बात कर रहे हैं, जो कल्याण की बात आप कर रहे हैं, क्या ये कल्याण हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसका जो है डिस्कस इन्होंने पूरा कारण भी दिया था। बताया कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है ना, या फिर जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस हैं, वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है ताकि आप जो है वो अच्छे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। आपकी जितनी इच्छाएं हैं ना, उससे कहीं कम जो है वो संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि क्या वो सिग्निफिकेंट है, पता लगाइए, ताकि यहाँ पर हम जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सकें। तो इसलिए इन्होंने दुर्लभता से संबंधित विचारधारा दे दिया। दुर्लभता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी वस्तु की या फिर किसी संसाधन की मांग ज़्यादा करते हैं और उसकी पूर्ति मार्केट में कम हो जाए, तो उसे हम दुर्लभता की स्थिति कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु या फिर संसाधन का मांग ज़्यादा होता है और उसकी पूर्ति कम होती है, तो उसे दुर्लभता की स्थिति कहा जाता है। आगे बढ़ें, देखिए रॉबिन्स ने जो है वो दुर्लभता संबंधी विचारधारा में किस तरह का विचार किया, कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को
अर्थशास्त्र चयन करने के लिए सिखलाता है, चुनाव करने के लिए सिखलाता है कि जब हमारे पास संसाधन कम पड़ जाएंगे या फिर कम हैं तो हम अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, है ना। हमें सोचना पड़ता है अलग अलग तरीके से। तो यह जो लॉजिक है ना, सोचने का जो अलग अलग तर्क आएगा आपके माइंड में, यानी कि आएगा, वो सब क्या देगा, कौन देगा, अर्थशास्त्र देगा। इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र को क्या कहा गया कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र भी है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी डिस्कशन किया गया था रॉबिन्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उसी कंसेप्ट को मैंने अंग्रेजी से मेंशन कर दिया है। क्या लिखा मैंने कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर लियोनल जॉन रॉबिन्स इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कैर्सिटी कंसेप्ट को किसने दिया था, लियोनल जॉन रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज बुक, है ना, प्रिंसिपल जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स था वो तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। ठीक उसी प्रकार से एक नया जो बुक आया था कह सकते हैं वो रॉबिन्स का था, और वो बुक कौन सा था भाई, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। क्या था नाम किताब का, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ था। इसी बुक में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। क्या है इकोनॉमिक्स, द साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है किसका, ऑफ चॉइस, यानी कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स वाज आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, क्या है यहाँ पर भाई उनके लिए, लॉजिक ऑफ चॉइस। क्या है, लॉजिक ऑफ चॉइस, किसने कहा था, प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो यानी कि चॉइस से रिलेटेड बात या फिर चुनाव से संबंधित बातें किसने दिया था, तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा था और दिया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे कंसेप्ट के ऊपर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक विषयों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मानव की भलाई हो, मानव का कल्याण हो, मानव का विकास हो, लेकिन ये विकास संबंधी मुद्दे होंगे कैसे। तो इकोनॉमिक्स अपने तरीके से कहता है क्या कि विकास की धारणा में, कि यहाँ पर देखिए इनका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, विकास संबंधी जो विचारधारा था वो दिया था अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल ए सैमुएलसन ने। ध्यान रखिएगा, पॉल ए सैमुएलसन अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ही 1948 में इस कंसेप्ट को दिया। ध्यान रखिएगा 1948 में विकास से संबंधित परिभाषा इन्होंने दे दिया, जिन्हें हम विकास जनित परिभाषा कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन जो है इन्होंने दिया डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसलिए हम इसे कह सकते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था यहाँ पर पॉल ए सैमुएलसन ने। जिस कंसेप्ट को, जिस परिभाषा को शामिल किया जाता है विकास की धारणा के अंदर, यानी कि डेवलपमेंट कंसेप्ट के अंदर। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन किस ढंग से दिया है। यहाँ पर मेंशन किया है हमने उनका डेफिनेशन कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग, देखिए एडम स्मिथ ने भी बात किया था कि हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते ही हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि पैसे से संबंधित बात है। तो यहाँ पर सैमुएलसन क्या कह रहे हैं कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना वस्तुओं के कालगत उत्पादन के लिए, यानी कि भविष्य में भी उत्पादन के लिए, व्यक्ति तो चुनाव करेगा ही, साथ साथ में समाज को भी इस तरह का चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ये जो है वो संसाधनों का हम लोग किस प्रकार से नियोजन करेंगे, है ना, ये भी हमें चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि जब हम संसाधनों को ठीक ढंग से जो है एलोकेट कर लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति को तो चुनाव करना ही होगा, लेकिन साथ साथ में समाज को भी, पूरे समाज को भी, यानी कि चुनाव की समस्या का सामना करना होगा। और जो भी कुछ हमारे देश में उत्पादन होगा उसे विभिन्न लोगों और विभिन्न वर्गों तक उनके अभी तथा भविष्य में उपभोग के लिए किस प्रकार वितरण होता है, इन सब का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करने वाले हैं। यानी कि यह चुनाव की समस्या लंबे समय तक रहने वाली है, हमारे जीवन के अनंत काल तक रहने वाली है, ये समस्या समाप्त होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, और इसीलिए तो लोग आज जो है वो पैसे के पीछे दौड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब उसी चीज़ को मैंने अंग्रेजी से मेंशन कर दिया है। आप यहाँ पर मेन चीज़ जो ध्यान रखने के लिए है वो क्या है कि जो कंसेप्ट आया था डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड की जो डेफिनेशन था डेवलपमेंट ओरिएंटेड, वो किसने दिया था, पॉल ए सैमुएलसन ने। मात्र आपके लिए बात इतनी सी जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आज आपने इस कंसेप्ट, इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से चर्चा होगी यानी कि अर्थशास्त्री की विषय वस्तु क्या होती है,
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं। आपको जैसे मैंने कि सिलेबस में भी बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये जो व्यष्टि और समष्टि दो अलग अलग शब्द नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों शब्दों की रचना और इनका सबसे पहले इनकी प्रयोग 1933 ईस्वी में किया गया था प्रोफेसर रैग्नर फ्रिश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर रैग्नर फ्रिश के द्वारा ही व्यष्टि और समष्टि इन दोनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन? प्रोफेसर रैग्नर फ्रिश, है ना, यही यानी कि मुखिया थे जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को यानी कि अलग अलग किया और सबसे पहले यानी कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि इन दोनों शब्दों की रचना एवं इनका प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1933 में प्रोफेसर रैग्नर फ्रिश के द्वारा किया गया था। ये ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे और इन्हें हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था वर्ष 1969 में, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले थे कौन? रैग्नर फ्रिश। चर्चा करेंगे फिर हम अगली वीडियो में और भी गहराइयों के साथ। तब तक आप आसपास में साफ सफाई बनाए रखिए और कोशिश करिए कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और जो भी बातें महत्वपूर्ण होती है उसे आप नोट करते जाइए। आपको हम एग्जामिनेशन से पहले ही कंसेप्चुअली और थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद।